प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय एक छोटा सा तांत्रिक प्रयोग है, महाविद्या। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आप इसकी किताब को देख लीजिए, महाविद्या। इस पर लिखा होगा सप्रयोग महाविद्या, किसी भी प्रकाशक की हो सकती है। मैं किसी बुक को पब्लिश या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य केवल भ्रम को मिटाना है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में, मैं पिछले बहुत सारी वीडियो बनाया था महाविद्या पे, छोटी छोटी वीडियो बनाया था, तो बहुत सा भ्रम व्याप्त है कि ये 10 महाविद्या हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि महाविद्या प्रयोग किन किन सिचुएशन में आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि किन पूजाओं का कॉम्बिनेशन इसके साथ में बहुत लाभप्रद होता है। तो इन्हीं सारी विषयों को आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही और अधिक रोचक जानकारियों के लिए, उपयोगी जानकारियों के लिए हमेशा काम आएगी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों के हृदय में व्याप्त भ्रम है, बहुत लगभग 90% लोगों ने मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग पर्सनली फ़ोन करके, जो नहीं जानते हैं व्हाट्सएप करके, कुछ लोग कमेंट करके ये पूछे कि ये कौन सी महाविद्या है या हर एक महाविद्या का अनुष्ठान करना है। तो ये थोड़ा सा भ्रम है। बेसिकली ये माँ काली से संबंधित पूजा है, यह अनुष्ठान है, ये देवी पुराण से लिया गया है। अग्नि पुराण में भी कई जगह इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। ये एक तांत्रोक्त प्रयोग है, एक उग्र प्रयोग भी कह सकते हैं आप इसे, परंतु वह उस टाइप का उग्र प्रयोग नहीं जैसा कि लोग तांत्रोक्त पद्धतियां में या तामसिक पद्धतियों में करते हैं। ये गृह में गृहस्थों के लिए प्रयोग है, ये ब्राह्मण लोग इस प्रयोग को संपन्न करते हैं। इस प्रयोग से लाभ क्या होता है, इस प्रयोग को हमें करवाना कब चाहिए, इस महाविद्या प्रयोग को हमें कब करवाना चाहिए और इससे लाभ क्या होगा, ये प्रश्न लगभग सभी के मन में व्याप्त रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आज आपको मिल जाएगा। बेसिकली देखिए, ये अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें प्रेत शांतर विशेषता, पर अगर पूरा आप पढ़ेंगे, जिस दिन आप इसका पाठ करेंगे उस दिन आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ चुनिंदा ज्ञानी लोग वही अंतिम की लाइन उठाते हैं और बोलते हैं प्रेत शांतर विशेषता, केवल प्रेत शांति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वो गलत बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं इसको। ये ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, व्यापार बाधा, इन सारे कार्यों में सर्वोत्तम मतलब राम बाण है। ये एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा अमोघ अस्त्र है कि अगर इसका संधान किया जाए तो विपरीत में इसका उत्तर कोई नहीं होगा, इतना प्रभावशाली है ये। इसमें बीज मंत्रों की बहुताया है, दिग्बंध दिशाओं का बंधन होता है, वहां पे सुरक्षा आपको प्रोवाइड की जाती है। अब अगर ग्रहों की बात की जाए तो इसमें उनके तांत्रोक्त मंत्रों का प्रयोग किया गया है, शन शनिश्चर है नमः, सुं शुक्राय नमः, सुं सूर्याय नमः, इस तरह से स्वाहा, नमः नहीं स्वाहा बोला गया है, सुं सूर्याय स्वाहा, सुं सोमाय स्वाहा, मंग मंगलाय स्वाहा, इस तरह से। इसके अलावा जो दशो दिशाएं हैं उनका बंधन किया जाता है इसमें। अब इनके बीज मंत्रों को अगर आप सुने तो आप कहेंगे कि ये तो अल्फाबेट्स हैं, ये वो क ख ग घ है, ये बीज मंत्र हैं। जैसे आपने क्राम क्रिम क्रूम, क्राम को आप माँ काली से संबंधित मानते हैं, र बीज मंत्र से जो संबंधित वो अग्नि, और कुछ जगहों पे ये माँ छिन्नमस्तिका और बहुत सी देवियों, कुछ जगहों पे ये उपयोग में आता है, उसी तरह से इसमें बहुत तेरे बीज मंत्र आपको मिलेंगे। आपने कहीं सुना है ओम डंग स्वाहा, ओम डंग डंग स्वाहा, या क्रांग स्वाहा, क्रंग क्रंग स्वाहा, क्रिंग स्वाहा, क्रिंग क्रिंग स्वाहा, इस तरह से तो इसमें बीज मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। ये इतना प्रभावशाली है कि हम इसे शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या रहेगा आपके जीवन में। अब जैसे बात करते हैं इनके लाभों के बारे में, मैंने पहले ही आपको बताया गृह बाधा। गृह बाधा का मतलब आपके घर में शांति नहीं रहती है,
बिना कारण कलेश होता रहता है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, स्पर्धा की स्थिति बनी हुई है, मतलब कि कोई लड़ा रहा है, ये बाधा होती है। इस कंडीशन में आपको महाविद्या करवाना चाहिए। महाविद्या का अनुष्ठान साथ में कॉम्बिनेशन भी है इसके, रुद्राभिषेक, ये दो चीज़ें अवश्य करवा लेनी चाहिए। आपका व्यापार बंधन है, व्यापार बंधन में इसका प्रयोग, इसके प्रयोग के महत्व को नहीं बताया जा सकता, तुरंत लाभ इसका आपको मिलेगा अगर व्यापार बंधन है तो। साथ ही साथ अब जैसे आपको ये लगे कि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मन बड़ा विचलित रह रहा है, बाहर जा रहे हैं, फर्जी के क्लेश हो जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको महाविद्या का अनुष्ठान करवाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है। किसी न किसी नेगेटिव शक्ति का आगमन आपके गृह में हो चुका है अथवा आपके ऊपर हो चुका है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण से चीजें हो रही हैं। कुछ कंडीशन में हमने देखा है कि एक्सीडेंट की स्थिति बन जा रही है, आपातकाल की स्थिति बन जा रही है, एक्सीडेंट होते होते बच गए, एक्सीडेंट हो गया, एक दो बार ऐसे झटके लग जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में तुरंत ही यह अनुष्ठान आपको करवाना चाहिए। अब प्रेत बाधा, प्रत्यक्ष प्रेत बाधा, प्रत्यक्ष प्रेत बाधा है अगर आपके यहाँ, तो आपको कुछ पूजाओं का कॉम्बिनेशन लेके चला जाता है। ये अलग नहीं होता, ये एक अनुष्ठान होता है, उसमें कई प्रकार होते हैं। जैसे एक निबंध में बहुत सारे हेडिंग सब हेडिंग होती हैं, उसी तरह से ये हेडिंग सब हेडिंग होती है। जैसे कि सर्वप्रथम हमने, अब मान लीजिए प्रत्यक्ष प्रेत बाधा है, बुरे बुरे सपने सबको घर में बहुत से लोगों को आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके पीछे कोई है, अंधेरे में कोई किसी की छाया आपको दिख रही है, कुछ डरावना सा अनुभव हो रहा है, घर में शांति नहीं मिल रही है आपको, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई, ऐसा मन में बार बार विचार आ रहा है, गंदे विचार आपके मन में हमेशा आ रहे हैं, डरावने विचार आ रहे हैं, दुःस्वप्न आ रहे हैं आपको, स्वप्न नहीं दुःस्वप्न, मतलब खराब सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं आपको, संकेत अशुभ मिल रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रेत बाधा की श्रेणी में ही आता है। प्रत्यक्ष प्रेत बाधा का मतलब वही नहीं कि सिर पे चढ़ गया अरे हम फलाने हैं, ना, प्रत्यक्ष प्रेत बाधा की श्रेणी में ये भी आता है। तो उस कंडीशन में आपको ये समझ जाना चाहिए कि हम महाविद्यानुष्ठान होगा। महाविद्यानुष्ठान कैसे होगा? सर्वप्रथम आपका आपके द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया जाएगा। त्रिपिंडी श्राद्ध के उपरांत महाविद्या और रुद्राभिषेक दोनों एक साथ में शुरू होंगे, तब जाके इससे आपको मुक्ति मिलेगी, और गारंटी मुक्ति मिलेगी। ऐसी कोई बाधा नहीं जिसमें महाविद्या का इलाज, महाविद्या हर एक बाधा का, मतलब एक ऐसा अस्त्र है जो हर एक बाधा को काट सकता है, किसी भी तांत्रिक प्रयोग को काट सकता है। आप कोई भी कार्य करने जाएं, सपोज दैट कि आप कोई अच्छा कार्य, आप ठेकेदार हैं, आपको अभी एक महीना बाद एक कॉन्ट्रैक्ट भरना है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ पे जो भी कहते हैं ना फार्म वर्म भर के जो जमा करते हैं वो करना है, तो उसके पहले आपको रुद्राभिषेक और महाविद्या का अनुष्ठान करवा लेना चाहिए। अगर आपके रास्ते में कोई बाधा रहेगी तो उसका कटाक्ष हो जाएगा। तो ये तो रहा महत्व कि कब हमें इसका अनुष्ठान करवाना चाहिए, क्या लाभ आपको इससे मिलता है। अब थोड़ी सी लाइटली बात कर लेते हैं हम कि इसके अनुष्ठान को किस तरह से संपादित किया जाता है, क्योंकि बहुत से भ्रम व्याप्त हैं। मैंने खुद देखा भी है कि लोग एक कलश रख कर, तो आप बिना कलश रखे महाविद्या का अनुष्ठान कर देते हैं, दो कलश रख दिए और कहे कि वृहद रूप में, संपूर्ण रूप में हम कर रहे हैं। भैया इसमें आप बहुत तेरे कलश रख सकते हैं, दस दिक्पाल के दस कलश रख सकते हैं, और वरुण देवता का अलग कलश, माँ काली का अलग कलश, शिव जी का अलग कलश, इन सबके अलग अलग कलश आप रख सकते हैं, पर अनिवार्य होता है कम से कम दो कलश हो, कम से कम, नहीं तो पाँच कलश की स्थापना की जाती है। इसमें अगर वृहद रूप में किया जा रहा है तो यंत्र का निर्माण भी किया जाता है, कम से कम पांच वृहद रूप में पांच ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है इसके अनुष्ठान में, इसके जाप में। इसके हवन की अगर हम बात करें तो हवन में बहुत सी अलग अलग संविधाओं का अलग अलग बीज मंत्रों पर प्रयोग किया जाता है। कुछ एक कंडीशन में तिन्नी के चावल से बनी हुआ, तिन्नी के चावल से हवन किया जाता है, कुछ एक कंडीशन तिन्नी के चावल के खीर से हवन किया जाता है, कुछ एक ऐसी कंडीशन आती है जब मौसमी फलों को घी में सशक्त करके, मतलब डुबो के या शहद में डुबो के किया जाता है, कुछ एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हरे तालिका, थोड़ी सी जहरीला पदार्थ होता है उसके द्वारा किया जाता है,
तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रयोग हम कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस बिहाब पे इसमें इलाज होता है, उस बिहाब पे इस पे हवन होता है, मतलब इसका एक एक पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब ब्राह्मण इसमें देखिए थोड़ा सा खर्च बढ़ क्यों जाता है लोगों का, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम ब्राह्मणों को एकत्रित करते हैं, 4 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण जो भी, उनको हमने बुलाया, वो हमारे यहाँ आके पाठ किए, उसके उपरांत अगर वो घर चले गए तो घर में स्थिति क्या है, हो सकता है कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो इससे उनको तो पाप लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपकी भी तो पूजा खंडित हुई, वो अगले दिन हो सकता है उन्हें पता ही नहीं हुआ है कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, वो अगले दिन आए फिर से पूजन बैठ गए, पूजन का लाभ तो आपको भी नहीं मिला। इस कारण से ब्राह्मणों को जितने दिन का अनुष्ठान है उतने दिन तक अपने यहाँ रोका जाता है, उनकी व्यवस्था की जाती है इसी कारण से, ताकि एक सुरक्षित वातावरण में वो हो, एक सौम्य वातावरण में हो, ताकि हमारी पूजा का, हमारे अनुष्ठान का एक निष्कर्ष निकल के आवे, वो बिना निष्कर्ष के ना रह जाए। तो इस कारण से भी थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इसके, बहुत एक्सपेंसिव पूजा नहीं है ये, हर एक को करवानी चाहिए और निश्चित ही करवानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बाधाओं से दूर होना चाहते हैं, अपने जीवन के अपने जो संघर्ष है उसके रास्ते के रोड़ों को हटाना चाहते हैं, तो इस पूजा की तरफ अग्रसर आपको होना चाहिए। ये पूजा किन से करवाएं, ये पूजा हर किसी से नहीं करवानी चाहिए, महाविद्या चुनिंदा ब्राह्मण ही करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पढ़ तो सब सकता है, उसका ज्ञान बहुत लोगों को नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही है। ये बहुत गुप्त विद्या है, ये प्रत्यक्ष विद्या नहीं है कि हर किसी के मुंह से आप सुनेंगे, ये हो जाएगा। अगर आप YouTube पे ही इस वीडियो को सर्च करेंगे तो मे बी कि 4-5 वीडियो आपको मिल जाए, सालों पुरानी मिल जाएंगी, या मेरी वीडियो देख कर ही कुछ एक वीडियो और पड़ी हो इस समय की, इसके अलावा आपको इस पे वीडियो नहीं मिलेगी, इस पे लोग डिस्कस करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये गुप्त विद्या है, इसे गुप्त ही रहना चाहिए। मैं भी चाहता तो आज यहाँ पे पाठ की विधि आपको बता देता, पर ये ओपन सोर्स में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इसको आप करेंगे सही चीज़ है, लाभ मिलेगा, पर अगर गलती किए तो, अगर गलती किए, ये माँ के रुद्र रूप का पूजन हम कर रहे हैं, अगर आप गलती किए तब तो ब्राह्मण है नहीं कि ब्राह्मण उसका भुगतान करेंगे, आपको भुगतान करना होगा ना, और आपके लिए ये सौदा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं उसको मत करिए, उसको एक्सपर्ट के हवाले ही कर दीजिए। आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशन आप मत करिए, उसे सर्जन को ही करने दीजिए। सो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको महाविद्या करवानी होगी तो पहले अपने आसपास ब्राह्मणों से चर्चा करिएगा, अगर वहाँ कोई सक्षम ब्राह्मण आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब आप हमसे संपर्क करिएगा। डिस्प्ले पे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए